हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे जी। वेलकम बैक टू माई कविता कुमारी के चैनल। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर अपना पैटर्न तैयार कर लिए हैं। इस पैटर्न की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये देखिए, हमने पैटर्न करके नीचे एक कपड़ा अस्तर के लिए हमने लगा दिया है उसमें। अब देखिए, हम यहाँ पर पैटर्न को 16x16 इंच का करेंगे। तो ये हमारा 10x10 इंच का पैटर्न तैयार हुआ है। आप चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इतना ही रखा है। तो अब इसमें हम एक पट्टी लगाएंगे चारों साइड। तो ये देखिए, आप अपने अनुसार इसमें पट्टी लगा सकते हैं, इस कुशन को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर इतनी पट्टी लगाएंगे कि हमारा 16x16 इंच के पल्ले तैयार हो जाएं। तो ये देखिए, हमने पहले इस पट्टी को जोड़ दिया है। अब यहाँ से हम इसको दबाते हुए दूसरी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, हमारी पट्टी यहाँ से दब चुकी है। अब हम इसी की दूसरी साइड लगाएंगे, जिधर हमने ये लगाई है उसी की दूसरी साइड हम लगाएंगे। ये देखिए, हम इसको बराबर बराबर लगाएंगे। ये देखिए, जितना हमारा पैटर्न तैयार है उस इतनी हम पट्टी काटेंगे, दो तो दो पट्टी हम बाद में काटेंगे इसकी। तो ये देखिए, पैटर्न के बराबर हमने पट्टी काट करके हम इसमें दोनों साइड जॉइंट कर देंगे। ये देखिए, हमारी एक सिलाई इसमें लग चुकी है, एक पट्टी, और दूसरी पट्टी पर हमारी एक सिलाई लग चुकी है। इस पर हम पक्की सिलाई लगाएंगे। अब ये देखिए, ऊपर से इसको दबाते हुए कपड़े को, ये देखिए हमारी यहाँ पर दूसरी सिलाई भी लग चुकी है। और यहाँ से हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे, जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हो। ये देखिए, हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है यहाँ से। आप इसको पैटर्न के अनुसार इकसार कर दें। ये देखिए, अब यहाँ से हम इसको फोल्ड करके जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा हम उसको भी कट कर देंगे। यहाँ पर हमको 16 रखना है इसको, 16 इंच। तो ये देखिए, हमने फोल्ड कर लिया है उसको, हम 8 इंच में कटिंग कर देंगे। खोल करके हमारा 16 इंच हो जाएगा। ये देखिए, जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है अब उसको हम कट कर देंगे। ये देखिए, हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हो चुका है। अब यहाँ पर हम 16x16 इंच की दो पट्टी और काटेंगे, लंबाई में 16 इंच और चौड़ाई 16 इंच के अनुसार कर सकते हैं, जितनी हमने दोनों साइड पट्टी लगाई उसी के अनुसार। ये देखिए, वैसे हमारी ये पट्टी 3.5-3 इंच है। और ये देखिए, हम ऊपर से नीचे तक इसको रखते हुए यहाँ पर सिलाई कर देंगे। ये देखिए, हमारी पट्टी यहाँ पर जॉइंट हो चुकी है। अब इसको पलट कर सिलाई दबाते हुए यहाँ पर एक सिलाई और लगाएंगे ऊपर से, ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। ये देखिए, ऐसे ही हम दूसरी पट्टी भी जॉइंट करेंगे दूसरी साइड। इसको देखिए, हमने यहाँ पर अपनी दूसरी पट्टी जॉइंट कर ली है। ये देखिए, अब इधर भी हम 16 इंच की लंबाई रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम यहाँ पर कट करेंगे। तो ये देखिए, डबल फोल्ड करके जैसे हमने पहले फोल्ड किया था, ऐसे ही 8 इंच पर निशान लगाएंगे। ये देखिए, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम कट कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हो चुका है। ये देखिए, हमारा ये 16x16 इंच का पल्ला तैयार है। आप अपने साथ छोटा बड़ा भी पल्ला तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर हम ऊपर का हमारा कुशन का कवर तैयार है, और पीछे वाला पल्ला कट करेंगे। तो हमने देखिए, ये यहाँ पर एक पल्ला कट किया है, जिसकी चौड़ाई 16 इंच ली है और लंबाई हमने 17 इंच ली है।
आप चाहे तो इसमें 18 इंच भी ले सकते हैं। ये देखिए मेरी एक साइड इसमें किनारी आ रही थी तो इसलिए मैंने एक ही साइड हम सिलाई लगाते हुए, ये देखिए मैं इसमें दोनों बीच में सिलाई लगाऊंगी, बीच से इसको कट कर देंगे। ये देखिए हमने इधर से 17 इंच लिया था उधर से हम कट करेंगे बीच में, 16 इंच से नहीं छेड़ेंगे हम इसको। ये देखिए इसको डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर बीच में भी सिलाई लगाएंगे जहाँ से हमने इसको कट किया था। आप चाहे तो इसमें चैन भी लगा सकते हैं, मैं इसमें बटन लगाऊंगी इसलिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा कट किया है। आप चैन लगाए तो इसमें 16 इंच ही कट करें। ऐसे हम दूसरे पल्ले को तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारे दोनों पल्ले, ये देखिए इसको डबल फोल्ड करते हुए इसको भी हम तैयार करेंगे। ये देखिए हमारे दोनों पल्ले तैयार हो चुके हैं। ये देखिए दोनों पल्ले तैयार हैं हमारे। ये देखिए अब हम अपने हमने जो पैटर्न तैयार किया उसको हम सीधा रखेंगे, ये देखिए, और इसको हम उल्टा रखेंगे। ये देखिए एक पल्ले को हमने उल्टा रख लिया है, दूसरे को भी हम उल्टा रखेंगे और इसको चारों तरफ से पिन कर देंगे। ये देखिए कपड़े को एकसार करते हुए यहाँ पर पिन लगा दें। और ये देखिए अब इधर से दूसरा रखेंगे हम, इसको भी हमने उल्टा रखा है, देखिए एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए बीच से हम इसको रख देंगे। देखिए उस पर भी हम पिन लगा देंगे बीच में, कपड़ा हमारा खिसके ना। तो ये देखिए हमने इसमें चारों तरफ पिन लगा ली हैं और इस पर हम अब सिलाई लगाएंगे। इस पर हम चारों तरफ सिलाई लगाएंगे, इसको एकसार करते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए जब कोने पे आ जाएंगे हम इसको मशीन को उठाते हुए हम कोने से सिलाई मोड़ेंगे। ये देखिए इसी प्रकार हम चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमारे चारों तरफ सिलाई लग चुकी है। हमने इसको इसलिए आपको आराम से दिखाया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये देखिए और सिलाई को पक्का करके यहाँ पे हम कट कर देंगे। ये देखिए हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए तो आप कर सकते हैं वरना ये अंदर जाएगा। ये देखिए हम यहाँ पर बटन लगाएंगे। तो ये देखिए पहले हम इसको सीधा कर लेंगे, देखिए कोने निकालते हुए हम इसको सीधा करेंगे। ये देखिए हम यहाँ पर बीच में निशान लगा लेंगे, जो हमारा अंदर की साइड पल्ला है उस पर हम बटन लगाएंगे और ऊपर वाले पल्ले पर हम काज करेंगे इसमें।
ये देखिए हमारा क्वेश्चन बन करके ये तैयार है। ये देखिए ये देखिए अब हमने देखिए यहाँ पर इसमें बटन और काज कर लिए हैं। ये देखिए हमने बटन काज कर लिए हैं। देखिए हमारे क्वेश्चन बन करके तैयार है। ये देखिए पास से दिखाते हैं कितना बढ़िया हमने काज किया है। हमें कोई इसमें छोटा सा कट लगाना है बटन के अनुसार। ये देखिए आसानी से इसमें बटन लग जाएगा और इसको एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। ये देखिए हमारे सारे क्वेश्चन बन करके तैयार हैं। हमने देखिए बचे हुए फैब्रिक से ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। ये देखिए तो गाइज वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं क्वेश्चन कवर कैसे बने हैं। ऐसे प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए इसके पैटर्न का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।